जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जैसे कि दोस्तों गुज़िश्ता वीडियो में बताया था आपको, जो परसों टूर्नामेंट करवाया था उसके इनाम देने उस्ताद तनवीर अमान साहब की छत पर मैं मौजूद हूँ। सब दोस्त भाई आ गए हैं, तो कुछ दोस्तों का इंतज़ार हो रहा था वो भी आ गए हैं। तो शुरू करते हैं, उससे पहले भाईजान जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब, पहले दोस्तों के साथ आपका हल्का फुल्का तारफ़ कराते हैं, उसके बाद जनाब इनामात का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है जी। और ऐनक तो लाओ, वो कहन पता नहीं कौन आ गया। ये जी हैदर सुल्तान साहब, हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक हो? ये जी ज़हीर भाई, इधर पाए ना इधर देखना। ये जी चौधरी उस्मान साहब जी, मैं ना नहीं दसना, पहचान गए होगे दोस्तों। ताहर भाई इधर जी, अल मशहूर मियां मीर तलहा किचन क्लब, यानी मशहूर ही हो ये जनाब हमारे बोधी भाई बाजा लाइन से। माशाल्लाह पहला ही नाम है इनका जी, पांच कबूतरों वाले में। भाई जान ना अपना आप ही दसो, हैदर भाई। इधर जी उस्ताद बाबर शाह साहब, ये जी हमारे अकमल भाई जो मैं असगर नोनी भाई के नाम का जो पहला हमने टूर्नामेंट करवाया इनके भाई थे जी, तो मैं माने खसूसी यही है आज के जी। इधर जी उस्ताद अब्दुल्ला जी, बल्कि हूँ खलीफा हो गए ने, हाँ। इधर जी खलीफा हमदा, दोवें इकट्ठे बैठे हो, चिंगारियां ना निकलान। ये जी उस्ताद तनवीर अमान साहब। इधर जी अदनान भाई, अदनान भाई जी, भाई जान समीउल्ला भाई, अली अली भाई, फाद भाई साहब, उस्ताद जी साढ़े। इधर भाई वसीम भाई, अदनान भाई, ब्रांड ब्रांड कुकू भाई। लो जी ये अब्दुल्ला भाई के छोटे साहबजादे, की नाम भाई ना मोहम्मद हुसैन जी, ताहर भाई, ठीक है जी। ये जानजेब भाई, इधर सुलेमान भाई, हरून भाई कितने ने एने भाई हरून भाई, ठीक हो गया दोस्तों। तमाम दोस्तों के साथ आपका हल्का फुल्का तारफ करा दिया। तो साजी नहीं दोस्तों, सबसे पहले तीन कबूतरों वाला टूर्नामेंट था हमारा, जैसे पहले उड़ता रहा, तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया था, दोस्तों की फरमाइश पे डबल मोर लगवाई थी, पहले तीन नहीं थे, ठीक है जी। तो उसमें तीन पोजीशनें थी, जितनी एंट्रियां उतने इनाम, 2000 एंट्री थी, 6 छते थी हमारे पास, 12000 एंट्रियाँ थी और 12 के इनाम थे, ठीक है जी। तो तीसरी पोजीशन थी, एवरेज का इनाम था ये जनाब हमारे, इधर करो कैमरामैन साहब, ताहर भाई तारक ब्रदर्स वाली छत, चौधरी उस्मान साहब, ये इनका इनाम है तीसरी पोजीशन का। तो मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि जनाब रिसीव करें, और आपने देना भाई उधर कप फड़ाओ यार, बटकड़ा कप है। प्रेस करूंगा मैं उस्मान भाई और ताहर भाई से कि अपना वो तीसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें, और नाम देंगे जनाब हमारे खलीफा हमजा साहब, खलीफा अब्दुल्ला साहब, नवे आओ भाई, नवे ने, हाँ जी कितने नवे हो गए ने, खलीफा बने ने कल दे, आओ भाई हाँ जी आ रहे हो, ठीक है ताड़िया भाई, चलो जी तीन वाले कॉपी, ओके। तो दोस्तों इससे ऊपर पोजीशन थी जी दूसरी, ठीक है जी, दूसरी पोजीशन का नाम है जी हमारे अदनान भाई, छत जेटल वाली, आ जाओ जी, गुजारिश करूंगा जी दनान भाई से, आज दनान भाई मैदान में जाओ। तो दोस्तों एक और चीज़ है कि पिछले साल भी हमारा जो टूर्नामेंट उड़ा था उसमें भी अदनान भाई की दूसरी पोजीशन ही थी, कि पहली थी। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो माशाल्लाह इनके परिंदे भी अच्छे उड़े, बाकी बेस्ट ऑफ लक है इनको नेक्स्ट के लिए भी, ठीक है जी। प्रॉपर ये शौक नहीं करते, बस हमारे साथ इनका प्यार मोहब्बत है, हमें एंट्री दे देते हैं ये, ठीक है जी। तो अब इनको इनाम देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब, पास करो ले जी, बाबर शाह साहब और गुगू भाई इनाम देंगे जनाब,
अदनान भाई को दूसरी पोजीशन का इनाम है तीन कबूतरों के साथ जनाब। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बहुत मुबारक। नहीं दोस्तों, पहली पोजीशन का इनाम करेंगे हम थोड़ी देर बाद, एंड पे दोनों चैंपियन को बुलाएंगे, ठंड के चैंपियन। ठीक, कोई बुरा ना ना मनाइए, कवे चैंपियन का चैंपियन होने पर जो टूर्नामेंट उड़ा था उसके हिसाब से वो चैंपियन है। ठीक है जी, तो पांच कबूतरों वाला हमारा जो पहला नया रसगर नोनी मेमोरियल टूर्नामेंट उड़ा था उसका उसमें भी तीन पोजीशनें थी। ठीक है जी, जितनी एंट्रियाँ थी उतने के इनाम थे। तो तीसरी पोजीशन फिर से जनाब तारक ब्रदर चौधरी उस्मान भाई, इनकी छाती जी, तो इनको मैं दावत दूंगा अपना इनाम रिसीव करें, और इनाम देने के लिए बुलाएंगे जी हैदर सुल्तान साहब। आओ ताजी जी, आओ आओ, खैर कोई गल नहीं। तो ये सामने आओ भाई, रिसीव करेंगे जी दोनों टूर्नामेंट में। माशाल्लाह से इनकी तीसरी पोजीशन रही है, तो पैंतालियां भी बजाओ यार। बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान भाई आपके। अब जी मैं रसगर नोनी मेमोरियल टूर्नामेंट इसका दूसरा इनाम है जनाब। तो दूसरा इनाम साढ़ा ही सी यार, तुम दसिया स्टोर वाले भाई यार। चलो भाई चलो जी अगो जी। ले जी दोस्तों, अब खसूसी नामों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो वो उस्ताद शबाज़ बिल्ला स्विगैस वालों की तरफ से इनाम था कुछ, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से आज अचानक उनको जाना पड़ गया। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई जान मैं नहीं आ सकता, लेकिन तुम प्रोग्राम नहीं आगे पीछे करना। ठीक है जी, तो उनकी तरफ से इनाम था जी, पहले से पहला कबूतर और बहादुर कबूतर। तो ये जनाब 3000 ही एंट्री थी और 3000 पहले से पहला इनाम था। तो जैसे आप दोस्तों को बताया हुआ, पहले से पहला इनाम भी उस्ताद तनवीर अवान साहब का था और बहादुर कबूतर भी इनका ही था। ठीक है जी, 7:20:52 पे इनका परिंदा बैठा था, उस्ताद जी ने एक आए वाली गोली दी। उस्ताद जी इन्हें रिसीव करना पहला बहादुर जी। लो जी, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ठीक है जी, एक आया सुथरा आया और एक परिंदा चार इनाम लेके गया दोस्तों। बरल बाकी बैड लक चली, परिंदे सबके नहीं बैठ सके, सबके सामने थे, किसी का ऐसा नहीं था कि परिंदा नजर ना आ रहा हो, सबके सामने थे लेकिन नहीं बैठ सके। मौसम का जो मिसहैप हो गया क्लियर मिला हमें, उससे पहले खतरनाक फिरते मिली, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र रहा है कि मौसम अच्छा रहा है, शौक अच्छा हो गया, शुगल अच्छा लगा, एंड तक कांटेदार मुकाबला रहा है हमारा उस्ताद होगा, लेकिन एंड पे जीत उस्ताद तनवीर अवान साहब के हिस्से में आई। तो आजो खलीफा साहब, उस्मान भाई तुम आजो नाल। ये जी 3000 रुपया इनाम था उस्ताद तनवीर अवान साहब को, पहले से पहला बहादुर कबूतर जनाब, सबसे लेट पहला बैठा जी। उस्ताद जी जाना नहीं, वापस इतने ही खलोते रहो। मैं रसगर नोनी मेमोरियल वाला दूसरा इनाम है जनाब, ये भी उस्ताद शबाज़ बिल्ला स्विगैस वाले, उनकी तरफ से 3000 रुपये का इनाम था और बहादुर कबूतर था जनाब, वो भी 7:20:52 में उस्ताद मलिक तनवीर अवान साहब का। और जनाब अब देने ले कोई नहीं, अकमल भाई आ जाओ, पहला नाम चलो लो जी। ठीक है, अच्छा आजो सी भाई, आजो यार। अस्सलाम वालेकुम। ले जी बहादुर कबूतर का इनाम देंगे जी हसीब भाई, हसीब पिजन क्लब वाले, इनकी छाती जनाब बड़ा अच्छा शौक दिखाते रहे ये, तो ये उस्ताद शबाज़ बिल्ला स्विगैस वालों की तरफ से जनाब ये इनाम देंगे जी। 3000 रुपया इनाम था बहादुर कबूतर जनाब, 7:20:52 पैंतालियाँ तो मारो।
ਕੋਈ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜੀ ਅਬ ਤੀਨ ਤੀਨ ਕਬੂਤਰੋ ਮੈਂ ਡਬਲ ਮੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਸਮੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਦਰ ਵੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੋਂ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ये भी उस्ताद और भैया एक ही कबूतर है और ये तीसरा इनाम है उसका पहला बहादुर है जनाब ये इनाम था 2000 एंट्री थी और 2000 ही नाम रखा था हमने ठीक है जी तो उस्ताद जी को इनाम देंगे जनाब खुद ही भैया आओ आ जाओ खलीफा साहब आओ ना ये जी तीन कबूतरों में डबल मोर वाला पहला परिंदा पहले से पहला जनाब इनका बैठा था जी 7:20:52 पे ताड़ियां भाई जी बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको तो अजे भी नहीं तुसी जाना बहादुर भी है भाई तीन वाले में दोस्तों बहादुर कबूतर भी इनका ही है ठीक है जी 7:20:52 लो जी ताहर भाई उठो कष्ट करो तुसी भी आओ इधर ये जनाब देंगे जी ताहर भाई भाई को और ये बहादुर कबूतर का इनाम है डबल मोर वाला जी चलो ठीक हो गया दोस्तों बाकी इंशाल्लाह अब रह गई है पहली पोजीशन तो उसके इनाम के लिए भी इंशाल्लाह बुलाते हैं वीडियो पूरी देखिएगा ठीक है ले जी दोस्तों तीन कबूतरों वाले में पहला इनाम तो पहला नाम जनाब जैसे कि आप दोस्तों को मेरे व्यूअर्स को तो पता ही है कि जनाब साढ़ा ही थी तो ये इनाम रिसीव करेंगे जी हैदर भाई और हमारे उस्ताद जी फहद साहब ठीक है जी उठ के आओ यार तो इनाम देने के लिए जनाब हमारे अकमल भाई जो है ना मेहमान खसूसी हैं उनको दावत दूंगा उसके अलावा उस्ताद तनवीर अमान साहब और उस्ताद बाबर शाह साहब लो जी अकमल भाई दोस्तों तीन कबूतरों के साथ 27:47:42 की एवरेज थी जी बाकी दो साढ़े को नहीं आए ठीक है जी अभी आपने जाना नहीं है अकमल भाई जाना नहीं है अभी गेम बाकी है एक और पड़ाव पाए ना वो भाई भी आ गए हैं जी ले जी दोस्तों सीधा करो सीधा करता जी मैं रसगर नोनी मेमोरियल वाला हमारा पहला टूर्नामेंट था इंशाल्लाह ये आगे सीजन में भी उड़ा करेगा ठीक है जी और ऐसे ही उड़ेगा जितनी एंट्रियां उतने ही इनाम होंगे इंशाल्लाह ठीक है जी तो ये इनाम जीता जी हमारे अली ब्रदर्स वाली छाती बाजा लाइन से मैं दावत दूंगा जनाब उनको कि अपना इनाम रिसीव करें और इनाम देने के लिए जनाब पहले ही बुला चुके हैं हमारे मेहमान खसूसी हैं जी मैं रकमल भाई उसके अलावा उस्ताद तनवीर अवान साहब और उस्ताद बाबर शाह साहब ये इनको इनाम देंगे आके अपना नाम रिसीव करें भाई देखिए इनके माशाल्लाह बड़े अच्छे परिंदे उड़े चार परिंदों के साथ इनकी 31 घंटे और गालबन मिनट अब मुझे याद नहीं है लेकिन 31 घंटे से ऊपर की इनकी एवरेज थी पर पांच किसी से भी पूरे नहीं हुए लेकिन इनके लिए तालियां होनी चाहिए यार पहला इनाम था और पहली बार इन्होंने शो किया है हमारे साथ भी पहली बार की और वैसे भी पहली बार ही किया तो माशाल्लाह से इन्होंने कप भी जीता है और भाई की शादी भी नई नई हुई है उसकी भी मुबारकबाद इनको देते हैं जी और शादी कराते ही इन्होंने कप भी जीत लिया अब शायद बेगम कह दे कि उड़ाया करो कबूतर तो ये जी दोस्तों बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे भी अभी एक नाम और रहता है ठीक है जी वो भी खसूसी नाम है हसीब भाई की तरफ से आपके साथ तारुफ करा दिया हसीब पिजन क्लब वाले हसीब भाई ने कहा जी खसूसी नाम मेरी तरफ से है दोनों जो पहली पोजीशन वाले हैं उनको ठीक है जी तो पहले जनाब अपनी जेब छिपावा हैदर भाई को दावत दूंगा जनाब खसूसी नाम रिसीव करें और इधर से देंगे जी हसीब भाई भाई मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है इस मौसम में इन्होंने कबूतर अच्छे उड़ाए हैं क्योंकि गैर वगैरह थी तो मैंने भी खुशी से खसूसी नाम रखा है ये इन्होंने साबित किया है कि भाईजान ये अच्छे खिलाड़ी हैं और शौक को मजीद बढ़ाने के लिए इन्होंने इकदाम किया है तो माशाल्लाह से इनको जनाब एक बार फिर से तालियों के साथ जनाब और हसीब भाई तुम नहीं जाना ठीक है अब पांच परिंदों वाले में भी जनाब पहली पोजीशन थी तो पहली पोजीशन के लिए जनाब अली ब्रदर्स वाली छत उनको दोबारा से मैं बुलाऊंगा खसूसी नाम हसीब भाई अपनी तरफ से उनको देंगे जी मुझतो भाई आ जाओ
बहुत बहुत मुबारक हो भाई जान। ये सी भाई ने आपको सलामी डाल दी। ले जी दोस्तों, सबको इनामात मिल गए हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप दोस्तों को भी पसंद आया होगा हमारा जितना भी सिलसिलाकार है, जो भी हमारे पास जितने भी वसाइल थे हमने उस हिसाब से कर दिया है, ठीक है जी। तो ये टूर्नामेंट हमारा ऑफ सीजन ऐसे ही उड़ेगा इंशाल्लाह, और जितनी जल्दी हो सकेगा विद इन 2 या 3 डेज हम इनाम देंगे। पिछली बार हमने बुध वाले दिन दिए थे, इस बार उस्ताद जी ने कहा और जल्दी करना, मंगल को ही हमने फारिग कर दिया सबको। तो इसमें शील्डें अगर बनवाते तो थोड़ा टाइम लगना था, उस्ताद जी ने ट्रॉफी अपनी तरफ से दी हैं, ठीक है जी। खसूसी इनाम उस्ताद शहबाज बिल्ला साहब, उनका जनाब बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन वो आ नहीं सके, आते तो ज़रा और 4 चांद लगने थे, मेरा गला ज़रा काट सुकना थी, उनको बोलने के लिए मौका मिलना था। बहरहाल बहरहाल उस्ताद जी दो हाथ सलूट तू भी माशाल्लाह से तावन की है, उनको भी जनाब हम सलूट कर रहे हैं। तावन छोटा या बड़ा है भजन, तावन तावन ही होता है, ठीक है जी। ये शौक को बढ़ाने के लिए इन्होंने किया एकदम, और बेहतरीन है, ठीक है जी। बाकी आप दोस्त भी बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका नाम लेके बनाएंगे। अब कराएंगे इनका मुंह मीठा, मैं आऊँगा उस तरफ। चलो भैया, 2 मिनट बैठो यार, 2 मिनट बैठो सी भाई। ले जी दोस्तों, जरगुल्ले आ गए ने, जरगुल्ले हाँ जी, ले जी दोस्तों। बाकी आप मुंह मीठा करवा रहे हैं दोस्तों का, अपनी गपशप लगाएंगे, ठीक है जी। जी गुगू भाई ने, गुगू भाई ने दोस्तों एक बात बीच में रह गई, इतवार को पूरा शौक किया हमारे पास, ये आते हैं वैसे रात को, लेकिन ये आ गए थे उस दिन तकरीबन वारस रोड से 9 बजे आए, सो कितने बजे आए, सुबह थे 7 बजे माशाल्लाह, 6:30 बजे नहीं इतने, किन्ने बजे आयो, 9 बजे तो पला वजह, 12:30 बड़ी गल है, सुबह 12:30 बजे आ गए, आए धुप निकले तो गुगू साहब ही निकलते ने, है कोई स्मोक नाल को है को खाता तुहाडा, ते को बच्चे बुच्चे पले ने कि नहीं, अंडे ही दिते ने, अंडे स्टील दे नहीं देते उन्होंने, सही है, चलें ठीक है जी, ऐ फिर फोटो आ गई है मेरे को। ले जी दोस्तों, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़, मौकी ना जावे।